भाई, जय श्री राम सभी को। तो इस वक्त हम चल दिए भाई मधमहेश्वर के ट्रैक के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो आप, आगे आदेश्वर है, ठीक है, इधर भी। अभी ये सुबह के बजे हो गया, कुछ 5:40 के आसपास का टाइम हुआ है। तो भाई इस वक्त हम चल दिए ट्रैक पर। रास्ता भी खूबसूरती भाई, अब तक का जो ट्रैक रहा थोड़ा डिफिकल्ट था, चढ़ाई वाला था, निचढ़ाई वाला, पर कृपा प्रभु की बढ़िया था। अब देखते हैं आगे का, बोल रहे हैं कि भाई काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। और आज जो है बाबा मैं तुम्हें इसलिए का पाठ करने वाले हैं, तो कराते आपको दर्शन और ले चलते हैं खूबसूरत वादियों में। तो भाई अब हम सब थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके, आगे चलेंगे और कराएंगे आपको बाबा के दर्शन। तब तक आप व्यू चेकआउट करो। तो भाई रास्ते में चलते चलते कुछ लिखा हुआ मिला है, आपको दिखाते हैं। चढ़ाई देखकर घबराओ मत भाई, मजाक अपनी जगह है। केदारनाथ चढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर इस वाले ने तो हालत खराब कर दिया। हाय भाई, जी जिसको भी मधमेश्वर आना है शौक से आओ, पर भाई मेरी तरह वजन लेकर मत आना। 16 किलो का बैग उसके साथ चल रहा भाई साहब, बहुत हार्ड। बाकी बर्फ के पहाड़ दिखने लगे भाई, ठीक है। सनराइज हो चुका है, अब थोड़ी देर में वैसे गर्मी होने लगी, हालत खराब। चलो कोई नहीं, हर हर महादेव, कराते सीधा बाबा के दर्शन। कमेंट में हर हर महादेव जो लिख दिए भाई, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना यार, तुम्हारे भाई का चैनल है, ठीक है। घूमते फिरते रहेंगे ऐसी जिंदगी बतेरी बढ़िया। चलो कराते हैं बाबा के दर्शन पहुँच कर। जय श्री महाकाल। तो भाई थोड़ा सा और चलने के बाद हम फिर से बैठ हुए, काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, सूर्य नारायण भी निकल चुके हैं, ये देख सकते काफ़ी हाइट पे है, मज़ा तो आ रहा है थोड़ा। पर भैया काफ़ी रफ चढ़ाई है भाई, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हंसने का तो कोई मतलब नहीं बनता भाई, देखो साफ कहना सुखी रहना, हंसने कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ऐसी तस्वीर है सबकी, मेरी नहीं, और भी जो है सब बोल रहा भाई बहुत टफ है, क्या नीलकंठ वगैरह चढ़ के तुम भाई, ये कहते हो कि वाह भाई हम चढ़ गए यहाँ हो भाई, अरे अभी तो पता नहीं अभी रुद्रनाथ भी जाना है, माँ का पता नहीं भाई क्या हाल रहेगा। ठीक है, बाकी मौसम काफ़ी खूबसूरत है भाई, इस बात में कोई वो नहीं है, ठीक है। सब अरे ठीक है, ऊपर बर्फ भी दिखने लगी है। चलो भाई हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, मिलता आपको मंदिर में। हाँ बोले कैसे हो रही, बोले साथ हो गया भाई। और बाकी भाई तो 2 जर्सी पीछे छोड़ आया, एक ले जाया बस ऊपर की, अब चल रहे ऊपर भाई, रुकना तो देखा नहीं, रुकना तो है नहीं। जय बस, जय शंकर।
लो भाई, महादेव हर हर महादेव। ओए बिठाई अभी रोक इसको, यहीं बैठ पड़े। रो भाई डोली वाले भाई सारे, सबके हाथ में अलग अलग सामान। ठीक है भाई, कोई अलग अलग सबका। जय शंकर की जय, हर हर महादेव। जय बोले भाई, बाबा की डोली आ गई भाई। जय शंकर। तो भाई घूमते फिरते पायल बाबा के धाम पहुंच गए। अगर आपको उधर फ्लैग दिख रहा हो ये पूरा, चलो भाई चलो। ठीक है, बाबा के धाम पहुंच गए और अभी करा चार को दर्शन। ठीक है, सब अपनी भाग दौड़ में भाई। और इधर अपने भोलेनाथ वाले सब भाग रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों, वो उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी चलो अब मंदिर तो आपको भी दिख गया होगा। तो फाइनली बाबा मध्य महेश्वर के भी दर्शन हमारे हुए पूरे। तो इसके बाद अब जाएंगे तुंगनाथ। इसके बाद अभी ऊपर एक बूढ़ा मधुमेश्वर भी है भाई, ठीक है, तो उसके भी कराएंगे आपको दर्शन। फिलहाल भाई साहब जो व्यू आ रहा आप देखो भाई,